अनमोल वाणी भक्त सूरदास के जो पद है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पद पढ़ती हूँ अनमोल वाणी भक्त सूरदास के। मया कभी बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहे दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जियो, दो भैया हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास, देखो प्रस्तुत सूरदास के जो पद है, प्रस्तुत पद में उन्होंने श्री कृष्ण के बहुत सुंदर ऐसे बाल लीलाओं का यहाँ पे वर्णन किया है। अभी क्या बताया है देखिए, यहाँ पे भक्त सूरदास कहते हैं यहाँ पे मैया कभी बढ़ेगी चोटी। ठीक है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो अपनी माँ यशोदा को कह रहे है कि मैया है माँ, मेरी जो चोटी है, जो मेरे जो बाल है वो कब बढ़ने वाले है। ठीक है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी, मैया यशोदा को श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस पर देखो, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। ठीक है, आप मुझे कितनी बार दूध दे रहे हैं पीने के लिए और मैं वो पी रहा हूं, तभी मेरी जो चोटी है वो वैसे की वैसी छोटी है, वो अभी तक बढ़ ही नहीं रही है, वैसे की वैसी है। ऐसे श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को बोल रहे है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने यशोदा माँ को कि हे माँ, तू हमेशा मुझे कह रही है कि यदि तुझे बलराम जैसी लंबी चोटी चाहिए तो तुझे क्या हो करना पड़ेगा, तुझे दूध पीना पड़ेगा। और तू मुझे हर बार क्या कर रही है, दूध पिला रही है, और मैं इतना दूध पी रहा हूँ फिर भी मेरी जो चोटी है, जो मेरे जो बाल है वैसे वैसे छोटे है, वो बलराम भैया जैसे क्या है, बड़े अभी तक तो हुए ही नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। कितनी बार तू मुझे बहाना बना रही है कि तू दूध पी, मतलब तेरे बाल, तेरी जो चोटी है वो बढ़ जाएंगी, भैया बलराम के जैसे हो जाएंगी, परंतु तू मुझे पची पची, मतलब क्या, बार बार तू मुझे दूध पिला रही है, परंतु मेरी चोटी तो वैसे की वैसी है, वो तो बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तू देत न माखन रोटी, तू मुझे सिर्फ क्या कर रही है, दूध पिला रही है, परंतु तू मुझे माखन और रोटी खाने को भी नहीं दे रही है। ठीक है, सूर श्याम चिरंजीव, दो भैया हरि हलधर की जोड़ी। यहाँ पे सूर श्याम, यहाँ पे सूरदास कह रहे हैं कि दोनों भाई लोगों की जो जोड़ी है वो हमेशा क्या, कैसी रहे, चिरंजीव मीन्स क्या, हमेशा लंबी उम्र उनको मिले। अभी यहाँ पे सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, यहाँ पे सूरदास कह रहे हैं चिरंजीव मीन्स क्या, लंबी उनकी उम्र हो, दो भैया दोनों भाई कौन, श्री कृष्ण और हलधर। हलधर यहाँ पे हरि मीन्स क्या, श्री कृष्ण, हलधर मीन्स क्या, बलराम को हलधर भी कहते हैं। ठीक है, हलधर की जोटी, यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में और बलराम के बारे में, उनकी जोड़ी के बारे में, इन दोनों की जोड़ी के बारे में भक्त सूरदास जो है वो कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी कैसी हो, एकदम लंबी हो। तो यह सुंदर ऐसे श्री कृष्ण की बाल लीला का यहाँ पे वर्णन भक्त सूरदास ने उनके पद में किया है। बहुत सुंदर बताया है कि एक ही किस्सा दिया है जो कि कौन सा है, सिर्फ चोटी बढ़ाने का है। ठीक है, चोटी नहीं बढ़ती है, माँ यशोदा हमेशा श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, परंतु वो वैसे की वैसी है, बलराम की जैसी लंबी नहीं हो रही है। यह सुंदर ऐसा वर्णन यहाँ पे सूरदास ने हमारे सामने किया है।